हेलो फ्रेंड्स, दिस मी गार्गे एंड यू वाचिंग योर फेवरेट जेबीटी एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल। ऑस्कर बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में आता है। दुनिया भर के फिल्म मेकर, एक्टर, डायरेक्टर, डिजाइनर और भी लोग यही सपना लेकर आते हैं कि हमें भी कभी ये अवार्ड मिले। पर कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि इतने बड़े अवार्ड शो में हुए बड़े बड़े कॉन्ट्रोवर्सीज, उनमें से कुछ के बारे में आज हम आपको बताते हैं। पहले आते हैं 1973 में द गॉड फादर के लिए मार्लन ब्रांडो को बेस्ट एक्टर मिला था, लेकिन उन्होंने अवार्ड लेने से साफ मना कर दिया क्योंकि उनके मुताबिक वो हॉलीवुड में नेटिव अमेरिकन की इमेज दिखाए जाने से खुश नहीं थे। जिसके बाद आते हैं 2000 के ऑस्कर अवार्ड पर, जहां गर्ल इंटरप्टेड के लिए एंजेलिना जोली को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस से नवाजा गया, जहां एक्ट्रेस ने ट्रॉफी के बाद अपने भाई जेम्स को किस किया। इस पर बहुत विवाद हुआ था, बाद में जेम्स को सफाई भी देनी पड़ी थी। वहीं 2003 में जब एंडियन ब्रूडी को फिल्म द पियानिस्ट के लिए अवार्ड दिया गया, तो इन्होंने स्टेज पर हैल बेरी को किस कर दिया था। तो कभी किसी का अवार्ड और अनाउंसमेंट किसी और की हो गई, ये भी हुआ इतने बड़े मंच पर। 2017 में गलती से बेस्ट पिक्चर के लिए फिल्म ला ला लैंड का अनाउंसमेंट हुआ था, जबकि मिलना था मूनलाइट को। हालांकि उसी दौरान इसको ठीक कर दिया गया। इसके बाद 2022 के ऑस्कर के किस्से की गूंज तो आज भी क्रिस रॉक के कानों में गूंजती होगी, जहां उन्होंने मंच पर स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट के गंजेपन का मजाक उड़ाया था। फिर क्रिस को मंच पर ही जड़ा था स्मिथ ने जोरदार थप्पड़। हालांकि इसके बाद स्मिथ ने मिलकर बात करनी चाहिए, पर क्रिस ने मना कर दिया था। बाद में स्मिथ ने ही एक वीडियो डालकर क्रिस से माफी मांगी थी। वेल, दैट्स इट फॉर नाउ। फॉर मोर अपडेटेड एंटरटेनमेंट न्यूज, प्लीज लॉग इन आवर वेबसाइट www.thejbt.com।